गुड मॉर्निंग 11th क्लास, मैं राजबला सैनी। आज फिज़िकल एजुकेशन की क्लास है, चैप्टर सेकेंड, नेम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है हमारा ओलंपिक सिंबल्स, आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिक्स। थर्ड है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़, इसमें कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे। फोर्थ है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक ओलंपिक। ओलंपिक गेम एनिसेंट ओलंपिक गेम थे और मॉडर्न ओलंपिक गेम थे। एनिसेंट ओलंपिक गेम जो प्राचीन समय में लगभग 776 ईसा पूर्व ग्रीस में ओलंपिया नाम की जगह पर ईश्वर जूस की याद में धार्मिक उत्सव मनाते थे, जिसमें सभी ग्रीसवासी एक जगह एकत्रित होकर अपनी एकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, चाहे वो कुश्ती के रूप में हो। स्टार्टिंग में जो हुआ था, जो गेम स्टार्ट हुए थे वो कुश्ती के रूप में हुए थे, फिर धीरे धीरे इन गेमों को बढ़ाया गया, फिर उसमें कुछ और भी ऐड किए गए गेम, धीरे धीरे ऐसे हुआ। तो ये थे एनिसेंट ओलंपिक, कब स्टार्ट हुए थे? 776 में ईशापुर में ओलंपिया घाटी में स्टार्ट हुए थे। अब आते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए 1896 में, कब हुए? 1896 में एथेंस में हुए थे, और इनकी शुरुआत जिसने की थी वो थे डी कोबर्टिन। डी कोबर्टिन ने इस मॉडर्न ओलंपिक गेम की स्टार्ट किए, जिससे बहुत सारे गेमों को खेला जाता है। उसमें बहुत सारे गेम होते हैं, उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कि इसमें ओलंपिक फ्लैग होता है, ये सारी चीज़ें, ओलंपिक ज्योति होती है, ओलंपिक अवार्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड किसने कराई? डी कोबर्टिन ने, ठीक है। अब आता है इसमें हमसे पूछ क्या रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स खेल ओलंपिक खेलों के ही समांतर खेले जाते हैं। पैरा ओलंपिक गेम इंटरनेशनल कमेटी से ही मान्यता प्राप्त हैं। प्रथम शरद ऋतु के पैरा ओलंपिक खेल 1876 में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। शरद ऋतु के खेल उस वर्ष ही खेले जाते हैं जिस वर्ष ग्रीष्मकाल के खेल खेले जाते हैं, ठीक है। ये वे खिलाड़ी जो शारीरिक रूप से अपंग, एथलेटिक्स तथा ओलंपिक खेलों में भाग लेते थे, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक्स में यही लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब 1960 की बात करें, 1960 में रोम में खेले गए 23 देशों से 400 एथलीटों ने भाग लिया। ये खेल सबसे पहले केवल व्हीलचेयर पर जो बैठे हुए एथलीट होते थे वो ही उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और उन्होंने कितने एथलीट्सों ने किया पार्टिसिपेट? 400 ने। तो 400 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिससे वे आगे बढ़े, और जो भी इसमें जीतता है अपने आगे अपने देश का नाम रोशन करता है, देश में उसका नाम होता है, और वो अपने अपने इंडिया से इंडिया या जैसे इंडिया हुआ, भारत हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने देश का नाम रोशन करते हैं। प्लेयर सभी प्लेयर अच्छे होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन जो अपंग लोग होते हैं, आप सभी जानते हो, इनको मोटिवेट करने के लिए इस ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई, जिससे कि वो ये ना सोचे हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है या देश कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सभी देशों ने एक दूसरे से जुट होकर इसको बनाया, इसकी स्थापना की कि नहीं, जो अपंग और शारीरिक रूप से ऐसे बच्चे हैं या ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि वो ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो गेम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं,
यही पैरा ओलंपिक का एम था। अब आता है स्पेशल ओलंपिक गेम। स्पेशल ओलंपिक गेम ये एक गैर सरकारी संस्था है जो कि ओलंपिक खेल के साथ साथ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेलों का आयोजन करती है। इस संस्था में टीचर भी बहुत हैं, कोचेस भी बहुत हैं, अधिक हैं तथा एथलीट विकलांग एथलीटों को प्रशिक्षित तथा कोचिंग देते हैं। इस संस्था का मुख्य जो ध्येय विश्व में सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित करना है कि वह किसी से कम नहीं है। उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, तो वो कोचेस के द्वारा, टीचर के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है और ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं कि आपको गेम में कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप आगे चल के क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो, जैसे उनके मेंटली डिस्टर्ब हैं या हाथ पैरों में उन जान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अगर ऐसे मोटिवेट होंगे, जब तक वो उस चीज़ से हाथ पैरों को चलाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे क्या, वो अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं करेंगे तो उनकी वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। ज़्यादा ठीक ना हो, देखो जो चीज़ें बर्थ जन्म से होती हैं उनको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संस्था इसी का काम करती है और उसमें बहुत सारे कोचेज होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चे का जो लेवल है उसको इम्प्रूव कराते हैं, यही इसका एम है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।